डियर स्टूडेंट्स आई एम करण सर फ्रॉम परमहंस प्रे पब्लिक स्कूल मुजफ्फरपुर स्टूडेंट्स टूडे आई एम प्रजेंट विथ सब्जेक्ट साइंस ऑफ क्लास सिस्थ एंड आवर टॉपिक इज रोल ऑफ साइंस इन आवर लाइफ दिस इज आवर सेकेंड लेक्चर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द सम टॉपिक इन लेक्चर वन सो वी आर डिस्कस्ड ऑन Next topic of chapter 1. Then let's now go and start the class. Guys, our next topic is Science Makes Communication Easy and Better. Satellites are developed which play an important role in communication and entertainment. Satellite हमारे कम्युनिकेशन और इंटरटेनमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन ओल्ड ईयर्स पुराने जमाने में सेंडिंग मैसेज इन वेरी डिफिकल्ट एंड टाइम टेकिंग मैसेज भेजना बहुत डिफिकल्ट होता था और बहुत समय भी लग जाती थी विथ दी हेल्प ऑफ साइंस टेलाइट कम्युनिकेशन हैज बिकेम वेरी इजी एंड फास्टर साइंस के हेल्प से डेट मीन सेटेलाइट के आने से हमारा कम्युनिकेशन बहुत ही इजी और फास्ट हो गया है हम लोग बहुत आसानी से एक जगह से दूसरे जगह मैसेज भेज सकते हैं साइंस हैज गिन ऑस रेडियो टेलीविज़न न्यूज़पेपर पेपर जैसे साइंस का कुछ वर्जन है जो हमारे बहुत ही हेल्पफुल है जैसे रेडियो टेलीविज़न न्यूज़पेपर ये हमारे एक मीडिया का, का काम करता है विच हेल्प अस टू नो दैट वाट इज हैपेनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड हम लोग इसके माध्यम से बहुत जल्दी पता लगा लेते हैं कि अभी दुनिया में क्या हो रही है कंप्यूटर एंड मोबाइल फोन हैव मेड आवर कम्युनिकेशन सो इजी एंड फास्ट कंप्यूटर और मोबाइल फोन के आने से हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम और भी इजी और फास्ट हो गया है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइंस हेल्प अस इन मेकिंग ट्रांसपोर्ट फास्टर एंड कंफर्टेबल साइंस हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को फास्ट और कंफर्टेबल बनाने में भी मदद करता है बाय कंटिन्यूस रिसर्च ऑफ साइंस इंजिंस डेवलप्ड विच आर यूज्ड इन स्कूटर्स मोटरसाइकिल्स कार बसेस ट्रेन शिप्स एंड एरोप्लेन्स। कार बस ट्रेन शिप एरोप्लेन स्कूटर मोटरसाइकिल ये सारा साइंस के द्वारा ही डेवलप किया गया है जो हमारे लिए यूजफुल है एरोप्लेन इज द फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एरोप्लेन सबसे फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट है जो हमें बहुत जल्दी एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा देता है वी कैन रीच डिस्टेंस सॉरी वी कैन रीच डिस्टेंस कंट्रीज इन फ्यू आवर्स बाय एरोप्लेन हम लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आसानी से बहुत ही कम समय में आ जा सकते हैं इन दिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैज मेड आवर अर्थ स्मॉल पैलेस और इस मोड के इस मोड ट्रांसपोर्ट से हमारा पृथ्वी जो है बहुत छोटी नजर आने लगी है और आपको पता होगा कि सूर्य को पृथ्वी की एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लगता है और हम लोग एरोप्लेन के माध्यम से इस पृथ्वी का चक्कर लगा लेते हैं वी कैन गो नाव इन स्पेस मून विथ दी हेल्प ऑफ रॉकेट्स आज हमारे यहाँ रॉकेट्स के माध्यम से लोग अंतरिक्ष में और चांद तक भी पहुँचते हैं आवर नेक्स्ट टॉपिक साइंस हेल्प्स अस इन मेकिंग बेटर क्लॉथ्स साइंस हमें अच्छे से अच्छे कपड़े बनाने में भी मदद करता है साइंस हैज बीन डेवलप्ड मशीन टू मेक क्लॉथ्स विच आर मोर कंफर्टेबल एंड लुक बेटर साइंस के द्वारा ऐसे ऐसे मशीन का डेवलप किया गया है जो आसानी से कपड़े को बुनता है विच आर मोर कंफर्टेबल एंड लुक बेटर और हमारे लिए आरामदेह होता है और पहनने में पहनने में बहुत अच्छा दिखता भी है नेचुरल फाइबर क्लॉथ्स आर कॉस्टली सो क्लॉथ्स मेड बाय सिंथेटिक फाइबर दैट मीन्स मैन मेड आर यूज मोस्टली बिकॉज दे आर चीप स्ट्रॉन्ग लाइट इन वेट एंड लॉन्ग लास्टिंग ने कपड़ा तैयार किया जाता है काफी कॉस्टली होता है जो हर लोग प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है इस को देखते हुए मशीन के द्वारा सिंथेटिक फाइबर दैट मीन्स मैन के द्वारा तैयार किया गया फाइबर यूज किया जाता है जो सस्ता होता है टिकाऊ होता है और हल्का भी होता है और इसका लाइफ लॉन्ग होता है आवर नेक्स्ट टॉपिक साइंस प्रोवाइड्स बेटर टेक्निक टू बिल्डिंग हाउस साइंस हमें बिल्डिंग हाउस को बनाने में भी अच्छा टेक्निक देता है प्रोवाइड करता है ऑल दी रो मटेरियल लाइक सीमेंट ब्रिक्स आयरन स्टील ग्लास पेंट एंड बेटर टेक्निक आर प्रोवाइडेड बाय साइंटिफिक रिसर्च साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा हमारे रो मटेरियल जैसे सीमेंट ब्रिक्स आयरन स्टील ग्लास पेंट्स बहुत सारे ऐसे मटेरियल है जो आसानी से उपलब्ध हो जाता है साइंस हैज इनेबल्ड मैन टू कंस्ट्रक्ट मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग्स आजकल साइंस के द्वारा ही बहुत सारे ऐसे कंस्ट्रक्शंस तैयार किया जाता है जो हमारी बिल्डिंग को बनाने में मदद करता है दिस हैज हेल्प्ड इन सॉल्व वेरियस हाउसिंग प्रॉब्लम ऑफ ग्रोविंग प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ बढ़ती आबादी को भी रहने में प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि कम जगह में ही बहुत सारे घर बनाया जा सकता है नेक्स्ट टॉपिक साइंस मेड सोर्सेस ऑफ इंटरटेनमेंट साइंस इंटरटेनमेंट का भी एक सोर्स है साइंस मेड इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ रिएक्शन एंड इंटरटेनमेंट लाइक रेडियो टेलीविजन म्यूजिक सिस्टम वीडियो गेम्स कंप्यूटर्स एक्सेट्रा साइंस के द्वारा ही रेडियो टेलीविजन म्यूजिक सिस्टम और वीडियो गेम जैसे इंस्ट्रूमेंट तैयार किया गया है जो हमारे एंटरटेनमेंट का ख्याल रखती है दी स्पोर्ट्स गुड्स लाइक बैट बॉल्स हॉकी स्टिक रैकेट्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम मटेरियल्स एंड मशीन्स विच आर डेवलप्ड बाई साइंस साइंस के द्वारा ही हमारे स्पोर्ट्स गुड्स भी तैयार किए जाते हैं जैसे बैट बॉल हॉकी स्टिक्स ये सभी रो मटेरियल के द्वारा तैयार किया जाता है जो कि साइंस का देन है आवर नेक्स्ट टॉपिक साइंस प्रोवाइड्स बेटर फ्यूल्स साइंस हमें बेटर फ्यूल्स भी प्रोवाइड करती है इन अर्ली अर्लियर टाइम आजकल वी यूज वुड एंड कोल फॉर एनर्जी हम लोग लकड़ी और कोयले का यूज एनर्जी के रूप में करते हैं दिस फ्यूल रिमेन मच रिड्यूस सो साइंस गिव अस नीट एंड क्लीन फ्यूल विच आर मोर इफिशिएंट एंड कन्वीनियंट टू यूज सच एज एल पी जी पेट्रोलियम डीजल एक्सेट्रा हम लोग आज एल पी जी पेट्रोल डीजल गैस का यूज करते हैं जो की नीट एंड क्लीन साइंस के द्वारा ही प्यूरिफाइड किया जाता है वी कैन ऑल्सो यूटिलाइज दोलर एनर्जी बाय यूजिंग सोलर कुकर एंड सोलर हीट हम लोग आज सोलर इनर्जी का यूज करते हैं सोलर कुकर और सोलर हीट का यूज करते हैं यह सभी साइंस के द्वारा ही तैयार किया गया है इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय वाटर डैम हम लोग वाटर डैम बनाकर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं इसे हाइड्रो पावर के नाम से भी जानते हैं जो भी साइंस का देन है एंड वाइंड मिल दीज आर पॉपुलेशन फ्री प्रोसेस और यह दीज आर पॉल्यूशन फ्री प्रोसेस यह बिना पॉल्यूशन किए हुए हमारी मदद करती है ओके थैंक यू